नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेग इंजीनियरिंग में। आज इस वीडियो में हम आपको पोहा मेकिंग प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्लांट का रेफरेंस हमारा न्यूली इंस्टॉल्ड प्लांट जो कि सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, मेसर्स मारवी एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अभी रिसेंटली पोहा प्लांट लगाया, उस प्लांट की वीडियो को हम रेफरेंस में इसको यूज कर रहे हैं तथा इसके मार्फत आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पोहा प्लांट कैसे लगता है और कैसे बनता है पोहा प्लांट में। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जैसे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें पोहा बनाने के लिए जो चाहिए वो है अच्छा रॉ मटेरियल। जो पोहा बनाने के लिए वो है धान, और ये धान देश में सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से अवेलेबल है, लेकिन अगर इसकी पैदावार के बारे में बात करें तो यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में तथा एमपी में कुछ जगहों पर इसकी अच्छी खासी पैदावार होती है, और उस पर्टिकुलर वैरायटी का धान इस पोहे के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, धान को लेने के बाद में सबसे पहले हमें उसकी सोकिंग करनी है। जी हाँ, हमको इसको ओवरनाइट एक नॉर्मल वाटर के अंदर सोकिंग करना होता है ठंडे पानी में, और सवेरे सवेरे जब हम लोग इसको पानी से निकालते हैं, निकालने के बाद में सबसे पहले हम लोग इसको रोस्टर से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, रोस्टर से रोस्ट करते हैं ताकि ये धान इसके ऊपर का जो सरफेस है यानी कि छिलका है वो कड़क हो जाए, और कड़क होने के बाद में ये इससे सेपरेट हो जाए, अंदर के चावल से सेपरेट हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि आखिर हम रोस्टर में किस तरह का फ्यूल यूज कर रहे हैं। मोस्टली पोहे प्लांट में चलने वाले रोस्टर्स वुड पे या कोल पे चलते हैं, लेकिन आज की डेट में एक चीपेस्ट मीडियम है वो है बायोमास पैलेट। जी हाँ, करंटली आप वीडियो में जो देख सकते हैं ये एक बायोमास पैलेट बर्नर है, जिसके अंदर की हम लोग पैलेट डाल सकते हैं तथा इससे अच्छी खासी कैलोरी जनरेट करते हुए, बचत करते हुए हम लोग रोस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी प्रोडक्टिविटी तथा उसके ऊपर होने वाली लागत, और लागत होती है सबसे ज़्यादा इसमें फ्यूल की। तो फ्यूल को हम वो बचाना है तो हम इसमें बायोमास पैलेट को यूटिलाइज कर सकते हैं। या दोस्तों, यहाँ से निकलने वाला जो हमारा धान रहता है, रोस्टेड धान, इसको हम लोग फिर डालते हैं चूरा मशीन में। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक 500 kg/h का प्लांट है तथा इसमें 2 चूरा मशीन लगी हुई है जो कि 250 kg/h का प्रोडक्शन देती है एक मशीन। इस तरह से 2 मशीन यहाँ पर लगी हुई है। आप चूरा मशीन में देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर रोस्टेड धान डालते हैं तो रोस्टेड धान डालने के बाद में यहाँ पर 2 व्हील्स अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तथा इसके बीच में हम जब धान को प्रेस करते हैं तो धान का ऊपर का छिलका अलग हो जाता है जो कि एक पाइप से अलग हो जाता है, तथा साथ ही साथ यहाँ पर जो चावल है इसको जब हम व्हील्स के बीच में लेकर के आते हैं तो यहाँ से ये चपटा हो जाता है, तथा यहाँ से निकलने वाले प्रोडक्ट को हम चूड़ा या चिवड़ा भी बोलते हैं, तथा यह प्रोडक्ट यूपी, बिहार तथा देश के कई भागों में सीधे सीधे पोहे के रूप में भी यूटिलाइज किया जाता है। यह एक विशेष बात ये समझने की है कि यह मशीन इस पूरे प्लांट का हार्ट यानी कि हृदय कहलाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो चावल को पोहा में कन्वर्ट करने का जो सारा काम हो रहा है वो इसी जगह पर हो रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं चूरा मशीन, और इसको हम लोग इंग्लिश में पैन मशीन भी बोलते हैं। और ये मशीन धान को यानी कि रोस्टेड चावल को पोहा में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है। पोहा की सारी गुणवत्ता इसी मशीन पर निर्भर है, जैसे कि हम किस वैरायटी को यूटिलाइज कर रहे हैं, उस वैरायटी के अंदर कितना % मॉइस्चर है तथा हम रोस्टर में कितने % मॉइस्चर तक उस धान को रोस्ट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर ही पोहा मशीन यानी कि चूरा मशीन से बनने वाला चूरा डिपेंड करता है, यानी पोहा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मॉइस्चर कंट्रोल को सही से ध्यान में नहीं रखा गया तो यहाँ पर इस चूरा मशीन में पाउडर भी बन सकता है। इसलिए दोस्तों, एक प्लांट के लिए एक सही लंबाई का रोस्टर, सही गोलाई का रोस्टर तथा सही दूरी पे चूड़ी डाले जाने वाला रोस्टर ही काम में आता है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट में किसी भी तरह से मॉइस्चर बहुत कम रह गया यानी मॉइस्चर लॉस ज़्यादा हो गया तो वह प्रोडक्ट यानी कि वह धान यहाँ चूरा मशीन में आकर के पाउडर बन जाएगा। इसीलिए हमें रोस्टर में एक सतत टेम्परेचर यानी कंटिन्यूअस टेम्परेचर पे ही चूरा को बनाना पड़ता है, पोहा को बनाना पड़ता है, तथा उसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। और इस चीज़ के लिए हमारे बायोमास पैलेट बर्नर काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आसानी से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तथा अब दोस्तों, इसके बाद जो यहाँ से चूरा मशीन से जो हमारा चूरा निकलता है इसको हम लोग एक ग्रेडर मशीन में डाल सकते हैं। यहाँ पर ग्रेडर मशीन में जो भी पाउडर इस पूरे प्रोसेस के दौरान बन रहा है वो अलग हो जाता है, तथा साबुत जो पोहा रहता है वो फिर आगे फ्लेकर मशीन की तरफ चल पड़ता है। इस ग्रेडर मशीन में 2 लेयर होती हैं, फर्स्ट लेयर के अंदर यानी कि टॉप लेयर में जो चूरा है यानी कि पोहा है वो आगे बढ़ता है तथा सेकेंड लेयर में जो भी पाउडर रहता है वो नीचे निकल जाता है। यह मशीन भी इस पूरे प्लांट का एक सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है, क्योंकि अगर यहाँ से पाउडर सेपरेट नहीं किया गया तो यह पाउडर बाद में फ्लेकर मशीन के दांतों में यानी कि गैप्स में, ग्रूव्स में जाकर के फंसेगा और उसकी धार को कम कर देता है। अतः एक ग्रेडर मशीन और सही लंबाई की ग्रेडर मशीन इस प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से हमने समझा कि अभी हमने रोस्टर से रोस्ट करने के बाद में हमने चूरा मशीन में डाला और चूरा मशीन से हमने एक प्रेशर के साथ में हम लोगों ने धान को पोहे में कन्वर्ट कर लिया है। अब इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि देश के हमारे कई भागों में पोहा यूँ तो डायरेक्टली चूरा मशीन से निकला हुआ पोहा भी खाया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे पोहे की जिसको हम बोलते हैं इंदौरी पोहा या उज्जैनी पोहा, तो जी हाँ दोस्तों, इस पोहे की खासियत होती है कि जब हम पानी डालते हैं इसके ऊपर जब बनाते समय तो भी यह टूटता नहीं है और यह पानी को सोख करके एकदम खड़ा का खड़ा रहता है। तो इस तरह के पोहा को बनाने के लिए हमें उसकी आउटर सरफेस को हार्ड करना पड़ता है यानी कि उसको प्रेस करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरत होती है हमें फ्लेकर मशीन की। तो जी हाँ, फ्लेकर मशीन में हम लोग जब पोहे को डालते हैं तो वहाँ से जब दो रोल के बीच में पोहा आता है तो यह पोहे की जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, वो इतनी हार्ड हो जाती है कि वह पानी में डालने के बाद में कभी भी फिर एकदम से टूटती नहीं है। इसलिए दोस्तों, एक फ्लेकर मशीन मेरे हिसाब से इस क्वालिटी पोहे के लिए सबसे अति आवश्यक तत्व है, सबसे अति आवश्यक मशीन है। इसलिए फ्लेकर मशीन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फ्लेकर मशीन का बहुत बड़ा पोहे की क्वालिटी के अंदर रोल होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने समझा कि इस पूरे प्लांट के अंदर 6 से 7 मशीन का सेट है जो कि कंट्रेस्ट जुड़े हुए हैं, एक से दूसरे जुड़े हुए हैं। यह प्लांट सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तथा मैनुअल किसी भी मोड में लगाया जा सकता है। तथा इस प्लांट को लगाने के लिए हमें अगर 250 kg का प्लांट है तो 2000 स्क्वायर फीट और 500 kg का प्लांट है तो हमें कम से कम 3000 स्क्वायर फीट और अगर 1 टन का प्लांट है तो 4500 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। तथा इस प्लांट को चलाने के लिए 3 फेज पावर की आवश्यकता है। यह पावर क्रमशः 250 kg में 32 HP, 500 kg में 50 HP तथा 1 टन यानी कि 1000 kg के प्लांट में लगभग 82 HP की पावर की आवश्यकता होती है। यह दोस्तों, इस प्लांट को चलाने के लिए किसी तज्ञ ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नॉर्मल ऑपरेटर जो कि सीखने की क्षमता रखता है उसको हमारे टेक्नीशियन 8 से 10 दिन के अंदर सिखा सकते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। तथा कोई भी आदमी इस प्लांट को चला सकता है। जानने की ज़रूरत है इस प्लांट के टेक्निकल पैरामीटर्स यानी कि कितना हमको मॉइस्चर रोस्टर के बाद रखना है, कितना मॉइस्चर हमें चूरा मशीन में रखना है, कितना दाब रखना है, कितना दाब हमें फ्लेकर में रखना है। ये सारे ही फैक्टर्स हमको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे जो प्रैक्टिस से समझ में आ जाते हैं। इसलिए इस प्लांट के लिए किसी तज्ञ ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस ऐसा ऑपरेटर जो अपना दिमाग खोल के काम कर रहा हो उसकी आवश्यकता होती है। इस प्लांट के अंदर जैसा कि हमने देखा कि रॉ मटेरियल लगभग 16 से 17 रुपये किलो में अवेलेबल है तथा प्लांट की यील्ड 60% तक होती है। इस तरह से देखा जाए तो प्लांट के लिए पर केजी रॉ मटेरियल की कीमत 24 रुपये के आसपास बैठती है। तथा लाइट का खर्चा, आदमी का खर्चा, मिसलेनियस जो खर्चे हैं, मैनेजमेंट का खर्चा और बैग का खर्चा मिला लिया जाए तो 5 से 6 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा बैठता है। इस तरह से कोई भी आदमी 24 + 6 यानी कि 30 रुपये और 31 रुपये पर केजी में अपने प्लांट पर पोहा रेडी कर सकता है। तो आसानी से इस पोहे को बल्क में 35 से 36 रुपये 40 रुपये तक बेच सकता है। तथा लूज जो आपकी ब्रांडेड पैकिंग है 1 kg और 500 ग्राम की जो पैकिंग है इसके अंदर आराम से 55 रुपये 60 रुपये के जी के अंदर इस पोहे को बेच सकता है। और जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का बिजनेस है जहाँ पर हम 16-17 रुपये पर के जी जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग 55 रुपये तक के फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि बहुत ही मुनाफेदार बिजनेस है अगर इसको सही टाइमिंग, सही समय पर किया जाए यानी कि उस समय पर किया जाए जबकि रॉ मटेरियल प्रोसेसर में अवेलेबल है। हालांकि आज की डेट में दोस्तों सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, इसलिए पोहे का रॉ मटेरियल पूरे साल ही अवेलेबल रहता है। इसलिए अब ये सीजनल बिजनेस ना करके पूरे साल चलने वाला बिजनेस कहलाता है। और दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस प्लांट की मशीन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो में देखा, इस प्लांट के लिए मुख्यतः एक रोस्टर मशीन, चूरा मशीन, ग्रेडर मशीन, फ्लेकर मशीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट मशीन्स हैं। इसके अलावा हम टैंक जो है इसमें हम सोकिंग करते हैं वो स्टील में भी बना सकते हैं और हम लोग सीमेंट का टैंक भी बना सकते हैं। तो ये 4 से 5 मशीन के सेट में हम आसानी से पोहा प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। ये मशीन सारी ही हाई थिकनेस यानी कि मोटी प्लेट से बनाई जाती है ताकि इन मशीन की से कम लाइफ 10 साल आपको मिल सके, यानी कि हमारे रोस्टर की, चूरा मशीन की और फ्लेकर मशीन की और ग्रेटर मशीन की कम से कम 10 साल की लाइफ आपको मिल सके। दोस्तों, आपको देर नहीं करनी है, उठाने आपका कदम हमारी फैक्ट्री की ओर। अगर आप वेस्टर्न इंडिया में या साउदर्न इंडिया में है तो आप हमारी पुणे फैक्ट्री पे जाकर के मशीन दे सकते हैं। अगर आप सेंट्रल इंडिया में हैं, यानी कि एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में हैं, तो आप हमारी कोटा फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। अगर आप यूपी में हैं, बिहार में हैं, तो आप हमारी बनारस फैक्ट्री पे आकर विजिट कर सकते हैं। तथा अगर आप सेवन सिस्टर्स यानी असम, गुवाहाटी के रहने वाले हैं, तो आप हमारी गुवाहाटी फैक्ट्री पर आकर के मशीन का मुआयना कर सकते हैं तथा विजिट करके ट्रायल दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप हमारी फैक्ट्री पर आकर के मशीन्स की क्वालिटी, मशीन्स की थिकनेस, मशीन की पैरामीटर्स, इन सबको आकर के खुद अपनी आंखों से चेक कर सकते हैं तथा मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, लगता है ये बिज़नेस आपके किसी मित्र, आपके किसी रिश्तेदार की आजीविका का सोर्स हो सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। साथ ही साथ हमारी वीडियो को आप लाइक भी करें, इसको कमेंट करें तथा साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे द्वारा निर्मित बाकी मशीन्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो साथ ही साथ दोस्तों इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7073642737 पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.pvgboardmachinemanufacturer.com या www.provegengineering.com पर जाकर भी आप इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देर नहीं करनी है, आपको उठाने है अपने कदम और बढ़ना हमारी फैक्ट्री की ओर और आपको ऑर्डर करना है वहाँ प्लान, ताकि हम 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपका प्लान आपको डिलीवर कर सकें और आपकी जगह पर जाकर के प्लांट लगा करके आपको तथा आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे करके आपका व्यवसाय चालू करा सकें। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसी प्लांट के साथ में हम मूरी यानी कि मारमा और मुरमुरा प्लांट भी इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, तथा हम लोग एक कॉम्बो प्लांट लगा करके पोहा तथा मूरी एक ही प्लांट से बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग ड्यूअल बिजनेस करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों यह रोस्टर जो इस प्लांट के अंदर लगे होते हैं, यह चना भूनने में भी काम आ सकता है तथा साथ ही साथ ये मूँगफली के लिए स्पाइसेस रोस्टिंग में तथा मिलेट्स के रोस्टिंग में भी काम आ सकता है। अतः ये रोस्टर जो है ये मल्टीपल यूज के रोस्टर्स है और मल्टीपल बिजनेस में काम में आ सकता है। इस तरह से इस प्लांट के द्वारा हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बना करके सालों साल अपना काम कर सकते हैं तथा किसी भी समय पर अपनी लेबर को एंगेज करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर आटा प्लांट, बेसन प्लांट, स्पाइस प्लांट, कैटल फीड प्लांट, पोल्ट्री फीड प्लांट, फिश फीड प्लांट, पीनट प्रोसेसिंग मशीन्स, किचन इक्विपमेंट, चपाती मशीन्स, नाना तरह की मशीन्स और भी हैं, जिनके बारे में भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के तफ्तीश में आराम से अच्छे से वीडियो देख सकते हैं तथा आप अपनी अदर मशीन्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरी कर सकते हैं। अतः आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद 700 से ज़्यादा वीडियोज़ को आप देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद PVG, थैंक्स टू ऑल।